आज के कथा व्यास सौदा करते हैं, क्या ये सही है? इसमें क्या पूछना, ये तो गलत है। इस पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जो सौदा करते हैं उनसे कथा कराते ही क्यों हो? वो सौदा करते हैं, आप सौदा, आप भी तो करते हैं सौदा। जब आप सौदेबाजी नहीं करेंगे तो सब सुधर जाएंगे। जो करते हैं सौदा, वो करते हैं, आप कराते हैं, तो सौदेबाजी होती है। दोनों तरफ का, दोनों का कसूर है। सौदेबाजी होने नहीं चाहिए। कहीं ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि पैसे देकर कथा करो। हाँ, दक्षिणा के बारे में लिखा, दक्षिणा से प्रवक्ता को संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ गड़बड़ है। आप भी कंजूस हैं, आप भी सोचते हैं कुछ ना देना पड़े, क्योंकि मैं भी इसी उसमें रहता हूँ, मुझको पता, क्योंकि हम कभी तय नहीं करते और हमारे साथ क्या होता है हमें पता, अच्छी तरह से पता है, तो हम तो संत हैं ना, कोई बात नहीं जो भी, क्योंकि हमको तो संत सेवा करनी है। हमारा तो कोई बीवी बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं, आप ही हमारे सब कुछ परिवार हैं, है ना। तो हमारा तो अपना कुछ है नहीं, तो हमारा तो कोई खर्चा नहीं। लेकिन हाँ, हमको एक दर्द है, संत जो घर छोड़ के आ जाते हैं उनके लिए रोटी पानी, कमरे की व्यवस्था हो, रहने की कुटिया हो, भोजन पानी हो, बीमार पड़ेगी कुछ दवाइयों का हो, तो वो हम कर देते हैं। हमारा तो सदस्य नियम रहा, हमने कभी डिमांड नहीं की कि हम कथा में इतना लेंगे, आप एक पैसा मत दीजिए तब भी हम कथा कर देंगे, हमारी डिमांड नहीं होती। लेकिन इतना भी हमको पता, जब हम सुनते हैं अमुक व्यक्ति को इतने लाख, अमुक व्यक्ति को इतने लाख, और जब हमको देते हैं तो क्या देते हैं, हमको अच्छी तरह से पता है। हम तो नहीं कुछ कहते, ये तो आपकी श्रद्धा, जो भी करो, और जो भी देते हमारे लिए तो वो भी फालतू है, उससे भी हम संतों को दे देते, हमें क्या करना है। लेकिन मैं देखता हूँ, हम तो संत हैं, हमारे ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता। इन सब छोड़ के तुम बाबा जी बने, हमें क्या मतलब है? कम सेवा आएगी, हम कम सेवा कर देंगे संतों की, ज़्यादा सेवा आएगी, हम ज़्यादा कर देंगे। अब आप लोगों ने सेवा दी, हॉस्पिटल बना दी, 108 कुटिया बना दी, और अब 108 कुटिया वृंदावन में बना रहे हैं। सेवा आएगी तो बना देंगे, नहीं आएगी नहीं बनाएंगे, जो मेरे प्रभु की इच्छा। हम तो हर हाल में खुश हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। और अधिकतर कई ऐसे गृहस्थ हैं कि अपना उनके खर्चे भी, बाल बच्चे सब है, और कईयों का है सचमुच में बिजनेस भी कईयों ने कर रखा है, ये है। तो ये सौदेबाजी तो कहीं होनी नहीं चाहिए। मैं दोनों में कमी निकाल रहा हूँ, जो सौदेबाजी करता है उनमें भी कमी निकाल रहा हूँ। और वो पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग गलत करते हैं। क्योंकि जब मेरे साथ करते हैं तो उनके साथ भी करते होंगे। हम तो संत, हमारे लिए कोई असर नहीं इन बातों का। आप कुछ भी मत कीजिए तब भी हम कथा करने आएंगे, हम तो संत, हमारी अलग बात है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, तो आप भी गड़बड़ करते हैं, इसलिए वो पहले तय करके चले जाते हो। तय क्यों करते हैं? क्योंकि बाद में आप गड़बड़ करते हैं। क्या कहते हैं? आया नहीं जी, सेवा नहीं आई, इकट्ठी नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं फिर बाद में श्रोताओं को, उसको, वक्ता को। इसलिए वो पहले से तय कर लेते हैं, क्योंकि पहले वो बहुत जगह मार खाए होते हैं, और पहले कथा कराते हैं, लास्ट में दक्षिणा के समय इस ढंग से गोलमोल कर जाते हैं, और जबकि है सब कुछ फिर भी बताते हैं, नहीं है नहीं है, आए नहीं पैसा, किसने कुछ किया नहीं, खर्चा हो गया, वो बेचारे परेशान होकर आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर अंत में यही सीख लिया, हम कथा करेंगे पहले तय करेंगे ये। लेकिन ये बात सच है कि कथा तय करके कराना करना, ये सब उल्टी बातें हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं। कभी कथा को बेचना नहीं चाहिए, निष्काम भाव से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कथा करनी चाहिए, तब कथा का पूरा फल, कहने का भी सुनने का भी। लेकिन जो कथा को बेचते हैं, बस उनको वही मिलता है जो पैसा उन्होंने तय किया, बाकी भगवान खुश नहीं होते, परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। भागवत कथा, कोई भी कथा हो, तो कहा कि गावें सुनही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रथशिला। ये सज्जनों का, संतों का स्वभाव है कि वो निष्काम भाव से कथा करते हैं, सुनते हैं। अब बताइए, मीरा भी कीर्तन करती है, प्रभु चर्चा करती है, चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करते हैं, प्रभु चर्चा करते हैं, सभी संतों ने किया। क्या कभी किसी संत ने पैसा लिया? हम इतने में कीर्तन करेंगे? आजकल तो कीर्तन भी कर रहे हैं, खरीदे भी जा रहे हैं, और कथाएँ भी कर रही हैं। हम इतने में कोई 10 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, ये सब चल रहा है, कलयुग है। बाकी सब अपराध है। कथा को बेचना भी अपराध है, कथा को खरीदना भी अपराध है। कथा का लक्ष्य होता है परमात्मा को जानना और परमात्मा को प्राप्त करना। तो कथा भगवान के जानने के लिए है, और कथा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक हमारे पूज्य बाबा के पास आए कोई प्रवक्ता थे, अच्छे प्रवक्ता थे वो, माने अच्छे विद्वान थे। वो बाबा के पास आके कहा, बाबा मुझको इतने साल हो गए कथा करते करते, बढ़ापा आ गया है, कथा की जितनी महिमा है कि भक्त प्राप्ति होती है, ये होता है वो होता है कथा से, और
मुझको तो कोई अनुभूति नहीं हुई भगवान की कथा इतने दिनों से कर रहा हूँ। तो हमारे पूज्य बाबा ने इतना ही कहा था उन प्रवक्ता को, कहा कि शास्त्री जी जिसलिए आपने कथा की है आपको वो मिला कि नहीं मिला? बस इशारे में पंडित जी ने हमारे बाबा ने कह दिया और वो भी समझ गए बाबा क्या कहना चाहते थे। बाबा ये कहना चाहते थे कथा तुम पैसे के लिए करते थे ना, मिल गया ना पैसा, भगवान क्यों मिलेंगे? यदि भगवान के लिए करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये तो कल्पवृक्ष कथा। तो आपने कहा सौदाबाजी करते हैं, तो जो सौदाबाजी करते हैं वो तो अपराधी हैं, कथा के अपराधी हैं, कथा को बेच रहे हैं और ये तो आराधना है, भगवान की आराधना बेची जाती है। हमने संन्यास लिया, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, इसको बेचेंगे हम क्या? इसको छोड़ के तो हम बाबा जी बने। तो असली पूरा लाभ कथा का मिलता है जब हम निष्काम भाव से कथा करते हैं और निष्काम भाव से हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ दोनों में खींचतानी, मैं देख रहा हूँ कथा करने वालों में भी खींचतानी, प्रवक्ता वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं खींचने का पैसा, और जो कराने वाले हैं वो भी गड़बड़ करते हैं, कथा के नाम से खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और लास्ट में डमरू बजा देते हैं, नहीं है हमारा, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं हमारे पास, इकट्ठा नहीं हुआ, तो वो कम से कम देने की कोशिश करते हैं क्योंकि पहले तय तो हुआ नहीं। जब तय नहीं होता तो उस समय कथा कराने वालों में बेईमानी आ जाती कि हम कम देंगे कम देंगे कम देंगे, तो बाद में आप में भी बेईमानी ना आए, कोई झगड़ा ना हो, तकरार ना हो, कथा का जो अंत होता है लास्ट तो उसमें खींचतानी ना हो, गड़बड़ हो जाता है। इससे अच्छा तो भाई तय कर लो, लड़ने से अच्छा वो ज़्यादा अच्छा है तो भी अपराध तय करना, लेकिन लड़ने से तो अच्छा है ना। और लड़ते क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं हम कम से कम दें, वो सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, इसलिए झगड़े। इसलिए झगड़े ना हो तो तय करना अच्छा। वो तय क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊं, क्योंकि मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं। तय करने में कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी तो ही है कि कथा को बेच रहे हैं, ये तो पाप ही अपराध, लेकिन कुछ हद तक अच्छाई भी है। क्यों? यदि तय नहीं करेंगे बाद में आप भी बेईमानी करेंगे, पैसा कथा के नाम से आएगा, अगले साल के लिए बचा लेंगे, और कई बार तो खुद बंदर बांट कर लेते हैं। और जो वक्ता क्योंकि तय करके तो आए नहीं, तो तुम्हारी कोशिश रहती है अब तो कथा हो ही गई, नाराज होता हो जाए, अगले साल किसी और को बुला लेंगे और किसी को मूर्ख बना लेंगे, है ना। तो फिर क्या करते हैं आप लोग, तो कम से कम देने की कोशिश करेंगे। तो ये लड़ाई हो खींचातानी हो, इससे अच्छा तय कर लो। बाकी जो संत हैं, मुझको विश्वास है जो सचमुच में संत हैं, ना कोई तय करेगा, आप उनको एक रुपये भी मत दीजिए तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे। हमारी कथा तो ऐसी कई जगह होती है, देखा अभी हम जहाँ कथा करके आए वो लोग बोले कि जो भी कथा में चढ़ेगा उसमें मत्था लटेंगे वो हम लेंगे, और लिया उन लोगों ने, हमने कुछ नहीं कहा ठीक है तुम लोग ले लो, वो सारा ले लिया, हम नहीं कुछ कहते और हमारी दृष्टि इधर नहीं होती और पैसे की तरफ हमारे को दृष्टि, हमारा दृष्टि है ये कथा हमारी साधना है, भक्ति का प्रचार भी होगा, लोगों का भी कल्याण है, अपना भी कल्याण है, भगवान की चर्चा में समय बीतता है तो संतों का लक्षण है, गा वहीं सो नहीं सदा मम लीला। और अब तक मैंने जितने संतों को देखा है तो नहीं किसने तय किया, संत नहीं कोई तय करता, मुझको नहीं लगता कोई ऐसा गलत काम करता होगा, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है कथा को बेचना। फिर संत काहे का संत जब कथा को बेच रहा है, उसको तो पैसे चाहिए। अरे संत कथा करना ये तो बहुत बड़ी, गीता में भगवान ने कहा इसकी महिमा, यह इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वविधास्यति भक्ति मई प्राम कृत्वा मामे वैश्यत संशय, जो ये चर्चा मेरे भक्तों को करेगा उसको मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं। तस्मान मनुष्य सु कश्चिन में प्रियकृतम, वो मेरा धरती पर सबसे बढ़कर प्रियकृतम है। प्रियकृतम का मतलब होता है प्रिय कार्य करने वाला, तो मेरा सबसे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला कौन है? कथावाचक है, जो कथा करते हैं, बहुत बड़ा भगवान की प्रसन्नता का हेतु है कथा बाँचना। भाग्यशाली हैं लोग जो कथा करते हैं और जो कथा सुनते हैं। लेकिन ये लक्ष्य हमारा कहाँ? वहाँ तो कहा भक्ति मई प्राम कृत्वा मामे वैश्यत संशय, भक्ति पूर्वक अर्थात भक्ति मान करके करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। लेकिन यदि हम धन के लिए कर रहे हैं तो फिर ये कथा सूखे भूसे की तरह, जैसे धान को कूटोगे चावल निकलेगा और भूसे को कूटोगे कुछ नहीं निकलेगा, या गीले धान को कूटोगे नहीं निकलेगा कुछ, वो गीले धान की तरह कथा हो जाएगी क्योंकि उसमें स्वार्थ की नमी आ गई।
तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और मैं कथा कराने वालों को भी कहता हूँ कि जो हमारे साथ आप लोग करते हैं वो किसी के साथ मत किया करो, गलत करते हैं आप लोग। और मैंने देखा कथा में चढ़ता वो भी आप लोगों को ले लेते हैं। अब तो वैसे मैं कथा करना अब बंद कहूँ तो क्या कहूँ, कथा तो करना बंद नहीं कर सकता, प्रभु की चर्चा तो क्यों बंद करेंगे, लेकिन बाहर जाना मैं बंद कर रहा हूँ। और कभी गया साल में, दो साल में कभी चला गया, यही आनंद प्रभु का भजन चिंतन करना। हाँ, टीवी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, आपसे कथा आप तक पहुँचती रहेंगी। हाँ, इतना है कि दोनों का कसूर है, कथा कराने वालों को भी, कथा करने वालों को भी। इसलिए कथा करने वालों को भी लाभ नहीं मिलता क्योंकि सौदा करते हैं, और कथा कराने वालों को भी लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि वो संतुष्ट नहीं करते। दोनों जगह डमरू बजेगा खाली, और कुछ नहीं होने वाला। और आजकल तो और भी बड़े बड़े सिस्टम, अब सब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, ठीक नहीं है बात, जो जो हो रहा है कथाओं के नाम से भी दोनों तरफ से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। कथा के नाम से इकट्ठा करते हैं, फिर कहीं कहीं लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, चलो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है जो मैं देखता हूँ। और कथा करने वाले भी सब नहीं, क्योंकि जितने भी संत मुझको अब तक मिले, और मैं 40 सालों से यही हूँ संतों के बीच में। और हमारे पूज्य स्वामी जी तो कहा करते थे, संतों का तो ये साधना है हरी चर्चा करना, सुनना और सुनाना, कभी भी तय नहीं करना, और यहाँ तक कि आशा भी नहीं रखना। यहाँ तक हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि या तो कोई कथा में हमको ले जाए और कथा करा के छोड़ जाए, यदि अपने आप किराए से जाओ तो वापस आने का भी किराया उधर से मिलेगा, ये भी आशा नहीं रखना। ये हमारे पूज्य स्वामी जी ने हमको कहा था 40 साल पहले, और वो नियम आज तक चला रहा है। आप सुन के हैरान होंगे, हम ऑल आउट भी अपना ले जाते हैं, उनसे मांगते नहीं कि हमारे कमरे में ऑल आउट लगा दो, मच्छर लगा, उनको नहीं कहते हम। ये हमारे अंदर संस्कार दिए गए हमारे बड़ों ने, गुरुओं ने। और साबुन नहीं किसी से मांगते हैं, पेस्ट नहीं, ब्रश नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ हम यहीं से लेके, स्नान करने का तौलिया पहुँचने का कुछ भी किसी से नहीं लेना है, तेल भी सिर में लगाने का नहीं लेना, जो भी उन्होंने बाथरूम में रखा उठा के ले जाओ, हम अपना यहाँ से ले जाते हैं। तो हम तो किसी से ये आशा भी नहीं रखते। और मेरे साथ जितने भी हमारे संगी साथी होते हैं, मेरे साथ जो संचलते हैं, इनको भी हमने यही शिक्षा दे रखी है, अपना सब कुछ साथ ले जाना, ये भी किसी से आशा नहीं रखना। कोई हमारा बिस्तर बिछा दे, हम अपना ही चादर ले जाएंगे, ये नहीं कहेंगे दूसरी चादर बदलो या धोलिए, नहीं नहीं। हम और रही वहाँ हमारे कपड़े के, हम अपने कपड़े स्वयं ही धो लेते हैं, और ये भी आशा नहीं रखते कोई हमारे कपड़े धो के हमको दे जाए। ऐसा हम, हमारे संस्कार है, हमको संतों से मिले, वही मैं आगे संतों को संस्कार दे रहा हूँ। कथा बहुत बड़ा साधन है भगवान को पाने का, इस कथा को बेचो मत। और हम किसी को पर एहसान करने नहीं जाते, जब हम कथा करने जाते किसी को पर एहसान नहीं, हम अपनी सेवा उनसे करवाएं, नहीं कुछ नहीं, हमारे कमरे में कोई ना है, ये हमारी साधना स्थल ही है, और कुछ भी नहीं। ऑल आउट तक हम नहीं मांगते, वो भी हम अपने संग बैग में ले जाते, किसी को कुछ नहीं कहते। एकांत में अपना भजन चिंतन करो, और जो 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय वो भक्तों को दे देते हैं, मंच में बैठ के भगवान की कथा होती है। फिर कोई 1 रुपया दक्षिणा दे, 1,000 दे, लाख दे, 10 लाख, वो जाने उसका काम, जाने दक्षिणा जैसे चाहो। हाँ, हमारी ये इच्छा अवश्य होती है, जो भी हमारी कथा सुने वो भगवान के भजन में लग जाए, चिंतन में लग जाए, धाम से जुड़ जाए, भगवान की लीलाओं से जुड़ जाए, भगवान के रूप के चिंतन से जुड़ जाए, भगवान के नाम जप से, कीर्तन से जुड़ जाए। ये तो हमारी इच्छा रहती है कि जो भी कथा में आ गया तिलकधारी हो, यदि नहीं है तो लगाने लग जाए, कंठी नहीं है तो ले ले, और नाम जप नहीं करता तो नाम जप में लग जाए, माला नहीं है तो माला ले ले और भजन में लग जाए। ये तो हमारा, हमको दर्द रहता है कि जो भी हमारी कथा में आ गया, जो भी हमारे संपर्क में आ गया, वो भगवान से जुड़ जाए। और नीम यही है, भगवान का संत मिले तो मैं मिल जाऊँ, संत न मोते न्यारे। तो हमारी तो यही प्रयास हमारा रहता है हमेशा कि नाम जप में सब लग जाए, सनातन धर्म को जाने, सनातन धर्म को माने, इसका लाभ लें और उनका अंतिम जन्म हो जाए और भजन में लगा, ये हमारा लक्ष्य है। हम कोई कथा प्रवक्ता नहीं है, हम कोई कथा व्यास नहीं है, हम संत हैं। और कोई बुलाता चले जाते हैं, कोई राम कथा कहे राम कथा सुना देता है, कोई भागवत कहे भागवत सुना देते हैं, कोई भक्तमाल कहे भक्तों का चरित्र सुना देते हैं। और अब तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरस रही है कि हमारा मन ही नहीं करता हम अब बाहर जाएं। अब तो मैंने अपने आप को बहुत समेट लिया है, अब तो बाहर पता नहीं मेरा पूरा नहीं कह सकता, मैं कभी जा भी सकता हूँ, कुछ पक्का नहीं कह सकता।
जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता, कह नहीं सकता, लेकिन अब मेरा मन कुछ और हो गया। अब तक मैं समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरें देखता था और आप लोगों को देख देख के वर्णन करता था, और अब आगे कुछ लीला ठाकुर जी की कृपा चल रही है। वे की लहरें देखने से अब संतुष्टि नहीं है, अब तो डूबने का जी चाह रहा है, उसके लिए एक भूमिका बन रही है। हाँ, इससे पहले मेरे मन में है कि मैं धीरे धीरे कथन छोड़ता जाऊँ, कम करता जाऊँ, साल में एक दो, जबकि अंदर से तो यह है कि एक बार भी बरस से बाहर ना जाऊँ, लेकिन फिर भी प्रभु को कोई सेवा लेनी है तो कभी चला गया, हो सकता जा भी सकता हूँ, कोई कट्टर नहीं भी नहीं है। बाकी अब अधिक से अधिक समय मैं एकांत अपने कमरे में दूंगा, बाहर नहीं, और जो भी लोग आते हैं यात्री उनको निराश तो नहीं करूँगा, उनसे मैं मिलूँगा अवश्य, चाहे थोड़े समय के लिए मिलूँ, लेकिन ज़्यादा किसी से चर्चा नहीं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, टीवी के माध्यम से तो मैं अवश्य आप सब भक्तों से जुड़ा रहूँगा, आपको खुराक मिलती रहे, और यहीं से अपना टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जो भी है एकांत में अपना समय घंटा दो घंटा 24 घंटे में, अभी तो यह है ना कि 12 घंटे मैं समाज को दे रहा हूँ, 12 घंटे मेरे पास एकांत के हैं, लेकिन आने वाले समय में होगा 22 घंटे मेरे होंगे, 2 घंटे मैं आपको दूंगा, ये तो होता रहेगा। बाकी ब्रश से बाहर मेरा जाना अब कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब मैं एकांत में जाऊंगा तो मैं बाहर जाने लायक रहूंगा ही नहीं, और गया तो इतनी कंडीशनें मुझको रखनी पड़ेंगी बाहर जाने के लिए भी जो सबसे निभेंगे नहीं हो पाएगा, आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, जैसे कोई छुए ना, कोई मैं उससे बात ना करे, और भी बहुत बातें हैं, अपने हाथों से बना के खाऊं, किसी के घर में ना खाऊं, किसी के हाथ का बनाया ना खाऊं, बहुत ऐसी मेरी कंडीशन होगी जो आप लोग निभा नहीं पाएंगे। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने कमरे में रहूं, अपने ब्रज में रहूं, वृंदावन कभी बरसाना कभी गिरिराज गोवर्धन। चलो, आपने प्रश्न किया था, बात आगे से आगे निकलती चलेगी। आपका प्रश्न था कि आज के कथा विवाह सौदा करते हैं क्या ये सही है? भाई, लड़ने से तो सही है ही है, बाद में तो लड़ोगे ना, तुम कहोगे हम देंगे नहीं, क्योंकि तय तो हुआ नहीं ना, कम देंगे कम से कम, वो कहेगा मैं इतना दूंगा, तो बाद में झगड़ा हो, इससे अच्छा तो तय ही कर लो, है तो तय करना अपराध, लेकिन फिर भी उस झगड़े से कम अपराध है, बस इतना ही मैं कहूँगा और इससे ज़्यादा नहीं।